यह घटना पिछले साल मेरे साथ तब हुई थी जब मैं अपने दोस्तों और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शिमला की यात्रा पर गई थी। यह भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मैं असम में रहती हूँ। 3 घंटे की फ्लाइट और 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम शिमला में थे। आखिरकार हम अपने घूमने की जगह तक पहुंच चुके थे। हमने अपने होटल में चेक इन किया, पर हमने कमरों को चेक नहीं किया क्योंकि हमने उन्हें पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था और हम थोड़े जल्दी में भी थे, इसलिए हमारा सामान होटल में रखने के ठीक बाद हम प्रसिद्ध मॉल रोड को देखने निकल गए, जहां पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी जो औपनिवेशिक युग कॉलोनियल ईरा से संबंध रखती थी। होटल आने के बाद हमने महसूस किया कि वह होटल काफी सुनसान लग रहा था क्योंकि वहां पर केवल 3 से 4 ही स्टाफ मेंबर्स थे और वहां बहुत ही कम गेस्ट्स थे। वैसे शिमला पर्यटकों के लिए काफी चर्चित स्थान है, पर वह समय जनवरी का था और उस समय उस जगह पर ठंड भी पेच रही थी, इसलिए भी शायद कम संख्या में वहां पर लोग थे। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही कमरे में रुकी और हमने रात के खाने का ऑर्डर देने का निश्चय किया, पर जैसे ही मैंने रिसेप्शन पर कॉल लगाई तो मैंने एक स्टैटिक साउंड को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने फोन उठा लिया है और वह कुछ कह रहा है, पर किसी कारणवश उसकी आवाज सुनने योग्य ही नहीं है। मैंने फिर फोन लगाया, पर तब भी पहले जैसा ही घटित हुआ। तब मेरा बॉयफ्रेंड खुद रिसेप्शन पर गया, पर वहां पर कोई भी नहीं था। उसने मुझसे पूछा कि तुम रात के खाने के लिए बाहर चलना चाहोगी, हालांकि मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बाहर ठंड थी, पर मुझे काफी भूख लगी थी इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा। हमारे दोस्तों ने शाम के समय खाना खा लिया था, इसलिए उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। जब हम वापस होटल लौटे तो हमने देखा कि होटल का रिसेप्शन अभी भी खाली था। हमने सोचा कि शायद यह होटल सस्ता होने के कारण यहाँ की हॉस्पिटैलिटी इतना अच्छा नहीं है जितना बड़ीढ़े होटलों का होता है। मैं तरोताजा होने के लिए वॉशरूम गई। अंदर मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर हल्की हल्की सी दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड होगा, तो मैंने उससे कहा कि 2 मिनट रुको, पर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती रही तो मैंने दरवाजे खोलकर उससे कहा कि तुम्हें क्या समस्या है। तो वह अपने मोबाइल में गेम खेलता हुआ मेरी तरफ आश्चर्य के साथ देख रहा था। ये काफी अजीब था क्योंकि मैंने साफ रूप से कुछ तो सुना था, पर मैंने सोचा कि शायद बाहर ठंडी तेज हवा चल रही है जिस कारण से भी किसी प्रकार की आवाज हुई होगी जिसे मैंने सुना होगा। क्योंकि हम थक चुके थे इसलिए जैसे ही हम बिस्तर पर लेटे हमें नींद आ गई। ठीक आधी रात के समय मुझे ठंड लगने लगी। जैसे ही मैं उठी तो मैंने उठकर देखा कि कंबल मेरे ऊपर नहीं था। मैं अच्छे से सोती हूँ तो यह कहना गलत होगा कि मैंने 3 कंबलों को मेरे ऊपर से हटा दिया होगा। मैंने घड़ी और देखा, रात के 2 बज रहे थे। मैं बाथरूम में गई, पर जैसे ही मैं अपने हाथ धो रही थी कि तभी मैंने एक आवाज सुनी और एक सिक्का मेरी तरफ लुढ़कते हुए आ रहा था। मैं आश्चर्यचकित थी क्योंकि हमने अपने कपड़े डढ़े बाथरूम में नहीं रखे हुए थे, इसलिए यह सिक्के वाली घटना घटित होना संभव नहीं था। एक क्षण के लिए मैं उसी जगह पर जम गई। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने अपने शरीर में कंपकपी सी महसूस की। मैंने फिर से दरवाजे पर उन्हीं हल्की हल्की दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी। इस क्षण मैं चिल्लाना चाहती थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं प्रार्थना करने लगी, और आवाजें बंद होते ही मैं तेजी से पलंग की ओर बढ़ी और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को जगाया जिसने कुछ भी सुना था। बाद में जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने बाथरूम को चेक किया और उसे वो सिक्का मिल गया, पर इस बात का पता नहीं चला कि वो आया कहाँ से था। मैं पूरी तरह से डर गई थी, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी तरह मुझे समझाया और कहा कि आज रात हम यहाँ रह लेते हैं और कल सुबह होटल बदल लेंगे। मैंने उसे गले लगाया और मैं सो गई। अगले दिन बाथरूम का इस्तेमाल करते समय मैंने दरवाजे को खुला रखा। उस होटल को छोड़ते समय रिसेप्शन पर कुछ स्टाफ मेंबर्स थे। हम जब उन्हें हमारा होटल का अनुभव बता रहे थे तो वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वो इसके आदि हो। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा होता ही रहता है यहाँ। जब हमने दूसरा होटल बुक किया तो हमें वहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, और उसके बाद हमने अपनी यात्रा पूरी की। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।